लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 17 ठिकानों पर छापेमारी। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की रेड। दिल्ली में लालू यादव की बेटी मीसा भाटी के घर पर भी छापेमारी। लालू के खिलाफ रेल भर्ती घोटाले में और रेलवे की जमीन होटल के लिए देने मामले में एक्शन में आई सीबीआई। कुछ दिनों पहले ही लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर आए थे, रांची जेल में बंद थे लालू प्रसाद यादव। सीतापुर जेल में एसपी के नेता आजम खान की हुई रिहाई, कल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत, देर रात जेल पहुंचा था बेल ऑर्डर। 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान, 88 मुकदमों में 87 में पहले ही मिल चुकी थी जमानत, कल आखिरी केस में जमानत मिलने के बाद आज हुई रिहाई। आजम की रिहाई के मौके पर आजम खान के दोनों बेटे उनके साथ अब्दुल्ला आजम की गाड़ी में जेल से रामपुर रवाना हुए आजम खान। आजम की रिहाई के मौके पर नहीं पहुंचे अखिलेश, लेकिन चाचा शिवपाल यादव पहुंचे सीतापुर जेल, कहा हम असली समाजवादी हैं, सुख दुख दोनों में रहते हैं अपनों के साथ। सब लोग सभी लोग कह रहे थे कि अखिलेश जी भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। आपको लगता है कि चाचा वसपारी भी नहीं हुई? नवजोत सिंह सिद्धू आज करेंगे सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के पुराने मामले में पुनर्विचार याचिका पर सिद्धू को कल सुनाई थी 1 साल सश्रम कारावास की सजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या ट्वीट लिखा, मुझे स्वीकार है कानून का फैसला। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही सिद्धू को सिर्फ 1000 रूपये जुर्माने की सुनाई थी सजा, पीड़ित पक्ष ने दी थी पुनर्विचार याचिका। साल 1988 का मामला रोड रेज में सिद्धू ने एक बुजुर्ग की पिटाई की थी, अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया था। रोड रेज मामले में हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी, सिद्धू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सश्रम सजा से माफी दे दी थी, लेकिन कल पुनर्विचार याचिका पर सुनाया गया फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी जिरह। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष वकील विष्णु जैन ने कुछ और सबूत पेश करने का किया है दावा, कल हिंदू पक्ष ने दाखिल किया जवाब, कहा भूखंड के मालिक हैं आदि विश्वेश्वर, औरंगजेब के पास मालिकाना हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने पूरे सर्वे को दी है चुनौती, शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा पर उठाए हैं सवाल। बरजूखाने में हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का कर रहा है दावा, मुस्लिम पक्ष बता रहा है फव्वारा, हिंदू पक्ष की नंदी के आगे की दीवार गिराने की मांग। ज्ञानवापी पर नहीं थम रही बयानबाजी, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार आजी महबूब का भड़काऊ बयान, बोले कुछ हुआ पूरा मुल्क हो जाएगा तबाह। अगर कुछ करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ तक होगा कि मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद होगा और कुछ नहीं, हर वक्त मुसलमान दबेगा नहीं। हाजी महबूब बोले ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री ले सोचकर फैसला का, कुछ लोग श्रम में भी कहें श्रम भ्रम में भी जी रहे हैं कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह भी ले लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी के भी ज्ञानवापी पर जहरीले बोल आए सामने। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञानवापी और मथुरा मामले में कसा तंज, बोले बीजेपी के हिसाब से हमारे घर के नीचे भी होगा मंदिर। कल सौंपी गई सर्वे की रिपोर्ट 12 पन्नों में दर्ज है, 14 से 16 मई की पड़ताल, आज तक के पास मौजूद है रिपोर्ट की कॉपी। स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह और असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर ने सौंपी थी रिपोर्ट, वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति होने का जिक्र। सर्वे रिपोर्ट में बेसमेंट में कुएं का जिक्र, लिखा पानी कम करने पर दिखी 2.5 फीट ऊंची गोलाकार आकृति, ऊपर कटा हुआ निशान। सर्वे रिपोर्ट में सीमेंट की दीवार से सनातन संस्कृति के मिले प्रतीक कमल डमरू शेषनाग और त्रिशूल के निशान का भी उल्लेख। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान ली गई 1000 तस्वीरें, 32 जीबी के 2 वीडियो भी किए गए पेश। अब वाराणसी कोर्ट में 23 मई को अगली सुनवाई, नमाजियों की संख्या और वजू खाने की सुरक्षा को लेकर सस्पेंस। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मथुरा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अदालत ने याचिका को सुनने योग्य मानकर किया स्वीकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की वर्चुअल संबोधित करेंगे पीएम, कल जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा। जयपुर में राजस्थानी साइल में हुआ जेपी नड्डा का स्वागत, 3 दिन तक राजस्थान चुनाव को लेकर होगा मंथन। जेपी नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पर उमड़ा कार्यकर्ताओं को हजूम, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। आज ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जारी की अपील, कम से कम लोगों से नमाज में शामिल होने की अपील।
मस्जिद कमेटी ने ज्ञान वापी, मस्जिद का वजू खाना और शौचालय कोर्ट के आदेश पर सील होने का किया दिया हवाला। साजिद कमेटी ने जुमे की नमाजियों को दी नसीहत, अपने मोहल्ले में अदा करे जुमे की नमाज। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने औरंगजेब लेन पर लगाया बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर, लंबे समय से हो रही थी नाम बदलने की मांग। बीजेपी युवा मोर्चा ने दिल्ली अध्यक्ष ने कहा भारत के स्वर्णिम इतिहास मुगलों का शासनकाल काला अध्याय, बोले जल्द मिटाया जाएगा कलंक। साउथ सेंट्रल मुंबई में एमएनएस के ऑरेंज लगाकर दी गई चेतावनी, यूपी में राज ठाकरे का बाल विवाह का हुआ तोड़ खड़ा होगा पूरा महाराष्ट्र। राज ठाकरे के 5 जून को होने वाले अयोध्या दौरे से पहले यूपी के बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने दी है चेतावनी, उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना नहीं घुसने देंगे अयोध्या। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार, डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद अहमदाबाद में हार्दिक पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्द बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, कांग्रेस को कहा सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी। औरंगाबाद में 5 दिन के लिए बंद किया गया औरंगजेब का मकबरा, पुरातत्व विभाग का फैसला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने को करना पड़ा पीड़ित परिवार के गुस्से का सामना, आर्थिक मदद देने पर भड़का परिवार। डोंबिवली में एक परिवार के 5 सदस्यों की हुई पानी में डूबने से मौत, परिवार ने पूछा क्या मुआवजे से घर वाले जिंदा हो जाएंगे, पीड़ित परिवार ने कहा अगर गांव में पानी की समस्या नहीं होती तो जिंदा होता परिवार। नाराजगी देखकर आरपीआई कार्यकर्ताओं के साथ मौके से निकले रामदास अठावले। नागपुर में पानी की भयंकर किल्लत, टैंकर्स के भरोसे हैं लोग, टैंकर आते ही मच जाती है भगदड़। लद्दाख में एक कार्यक्रम में मशगूल दिखे शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा, ठाकरे सरकार ने राणा दंपत्ति पर लगाया राजद्रोह का मामला। एमपी के गुना में शिवराज कैबिनेट के पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अकबर के समान महान। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने तारीफ में कहा जैसे महान अकबर के पास नवरत्न थे वैसे ही मोदी जी के पास सिंधिया है। कि अकबर में ये छांटने की क्षमता थी कि वो हीरे सही है कि नहीं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सर्वश्रेष्ठ हीरा हमारे गुना जिले को प्रतिनिधित्व करने वाला, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे महाराष्ट्र को चुना उस यूपी के सीएम योगी के निर्देश के बाद सड़क पर उतरे नोएडा के पुलिस कमिश्नर, सड़क पर गश्त लगाते दिखे आलोक सिंह। नोएडा के सेक्टर 69 से पुलिस कमिश्नर ने आम लोगों से बात कर पार्किंग लाइट और फूड सेफ्टी का लिया जायजा। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद आंधी तूफान ने मचाई तबाही, 10 की मौत की खबर, अलग अलग हादसों में हुए लोग घायल। तेज हवा के साथ आंधी और बारिश, हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर आंधी और तेज हवा ने एक ट्रक को पलट दिया। बिहार के छपरा में आंधी और बारिश में 2 लोगों की गई जान, आंधी तूफान से लाखों का नुकसान। कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले, कहीं रास्ते में गिरे पेड़ तो कहीं बिजली के खंभे गिरने से रास्ते बाधित। आंधी और बारिश में सैकड़ों घर बर्बाद, कहीं घर का छज्जा गिरा तो कहीं ट्रांसफार्मर, कई जानवरों की भी मौत की खबर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम, भूस्खलन से आवाजाही बंद, रास्ते में फंसे 4,000 से ज्यादा यात्री। लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ यमुनोत्री नेशनल हाईवे, सड़क का आधा हिस्सा जमींदोज, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल भी रहे मौजूद। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हालात, कोजाई में विधायक सीबू मिश्रा ने की राहत कर्मचारियों की मदद। असम में बाढ़ के बाद भूस्खलन का कोहराम, पूरी तरह मलबे में रह गया न्यू हाफ लॉन्ग स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश में बारिश से हाहाकार, ईटानगर में 4 की मौत, मलबे में दबी 1 महिला। केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश, बेंगलुरु में सीएम बोम्मई ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। कर्नाटक के शिवमोगा में झमाझम बरसात से लोगों की बड़ी मुश्किल, प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश का सितम, कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे में 5 लड़कियों की पानी में डूबने से मौत, भाटनगर बांध में हुआ हादसा, 5ों मृतक लड़कियां एक ही परिवार की, सेल्फी के चक्कर में गई जान, परिवार में मातम। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला से बदमाश ने पुलिस वाले बनकर की ठगी, घटना सीसीटीवी में कैद। बदमाश ने महिला से कहा सुरक्षा कारणों से अपने सोने के कंगन लिफाफे में रख लीजिए, बाद में नकली कंगन देकर बदमाश हुए फरार। एमपी के छिंदवाड़ा में शादी से एक दिन पहले हुई दुल्हन की मौत, खाते समय खांसी आने से फूड पाइप में फंसा खाना, डोली की जगह निकली अर्थी। जम्मू कश्मीर कटरा में जंगलों में आग का कहर जारी,
रियासी में बिड्डा में लगी आग, 6 दिन से अलग अलग इलाकों में आग का तांडव। तेज हवा की वजह से धधक रहे हैं जंगलों में आग, वन विभाग फायर ब्रिगेड दोनों कर रहे हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। प्रयागराज में संगम की बदले की तस्वीर, संगम को मुंबई के जूहू चौपाटी की तरह विकसित करने की है कार्य योजना। संगम पर सैलानियों श्रद्धालुओं की मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं, मोबाइल टॉयलेट और कुछ फूड कोर्ट बनाए जाने की तैयारी। कानपुर पुलिस पर उठे सवाल, चेन लूट की जांच के नाम पर दो भाइयों की बेरहमी से पिटाई, कमिश्नर ने गाड़ी रोककर सुनी फरियाद।